हेलो, दिस इज़ वीडियो टू। ओके, हमने पहले वीडियो में अपना जो वायरसेस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था कि क्या हाउ गोना बी डिफाइन वायरसेस, है ना। उनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी किया है। इस वीडियो में, वीडियो नंबर टू है, इसमें एकदम स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और क्या क्या फिर किस बेसिस पर हम क्लासीफाई करते हैं, है ना, स्ट्रक्चर के बेसिस पे करते हैं। कैप्सिड जो है, अब तक हमने ये पढ़ा है कि जो वायरस का जो स्ट्रक्चर है उसका स्टेटस क्या है, कि वो एक न्यूक्लियो प्रोटीन है ना। उस प्रोटीन को ही हमने कैप्सिड बताया कि ये जैसे न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के अराउंड क्या कवर होगा, कैप्सिड, प्रोटीनिशियस कैप्सिड, जो हम ये कह सकते हैं कैप्सोमेर से भी बनाया और प्रोटोमर से भी बनाया, ठीक है। और अगर कैप्सूल के अराउंड कोई मेम्ब्रेन से एनवलप नहीं होगा तो हम उसे नेकेड वायरस कहेंगे, और अगर मेम्ब्रेन से एनवलप प्रेजेंट होगा तो हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, एनवलप्ड वायरस। हमने वायरॉन्स वायरस के बीच का भी डिफरेंस देख चुके हैं पहले, है ना। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। तो वही ये वाली बात कि हमें पता, जब एक्स्ट्रा सेलुलरली होता है तो हम एक्स्ट्रा सेलुलर फेस किस वायरस का, उसे वायरॉन कहते हैं, या फिर जो पूरा कंपोनेंट, पूरा स्ट्रक्चर है जिससे हम एक वायरस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर वो आपका वायरल हुआ। और जब वो होस्ट सेल के अंदर आ जाएगा, वहाँ पे जो उसका सिर्फ न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट है ना, रेप्लिकेटिंग न्यूक्लिक एसिड वाले पार्ट को हम वायरस कहते हैं। फिर वो आपके वायरॉन्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स बनवाएगा, वे उस होस्ट सेल के अंदर असेंबल करेंगे, फिर सेल लाइसिस होगा, एंड देन वे सब एकदम बाहर आ जाएंगे आपके, है ना, सेल बर्स्ट हो जाएगा, आपके सारे वायरॉन्स जो हैं बाहर आ जाएंगे और सेल को जाकर इन्फेक्ट करेंगे उसी सेम प्रोसेस में, ठीक है। तो द इंटैक्ट वायरस यूनिट और इन्फेक्शियस पार्टिकल इज दी वायरॉन, ठीक है। अब जो एक वायरॉन है वो न्यूक्लिक एसिड से होगा बना हुआ, जो जेनेटिक मटेरियल है उसके सराउंडेड होगा प्रोटीनिशियस कैप्सिड से, तो हम कंप्लीट को क्या कह देंगे, न्यूक्लियो कैप्सिड, ठीक है, न्यूक्लियो कैप्सिड। अब ये न्यूक्लियो कैप्सिड है वही वाली बात है, एनवलप भी हो सकता है और आपका नेकेड भी हो सकता है ना। और जो इस कैप्सिड का काम क्या है, ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और सेल स्पेसिफिसिटी भी प्रोवाइड करता है कि किस होस्ट सेल को जाके वो सर्टेन वायरस टारगेट करेगा, ठीक है। प्रोटेक्ट कैसे करता है, द कैप्सिड प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड कोर अगेंस्ट द एक्शन ऑफ न्यूक्लियसिस, ताकि उसके जो न्यूक्लिक मटीरियल है उसे हार्म ना पहुँचे और वो अपना काम कर पाए होस्ट सेल के डीएनए में जाकर, वहाँ पे मतलब अपना उसकी होस्ट की मशीनरी को रेप्लिकेट कर दे, है ना। तो कैप्सिड काम से प्रोटेक्ट भी करना। फिर शायद मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, फिर नहीं किया था, कि जैसे कैप्सिड है, हम कई जगह पढ़ते हैं कैप्सिड आपका कैप्सोमेर से बनाया, कई जगह पढ़ते हैं प्रोटोमर से बनाया। तो अगर एक वॉल जो है वो कैप्सिड है, तो जो इंडिविजुअल ईंटें होंगी, यानी कहूँ इंडिविजुअल प्रोटीन यूनिट्स होंगी, वो होंगी प्रोटोमर्स, ठीक है। और फिर हमने उन्हीं प्रोटोमर्स से फाइव या सिक्स प्रोटोमर्स से आपको मतलब एक ही ग्रुप में बांट लिया ना, तो वो आपके क्या हो गए, कैप्सोमेयर, ये कैप्सोमेयर, ये कैप्सोमेयर, ठीक है। ये सर्टेन कुछ प्रोटोमर्स से कैप्सोमेयर बन रहा है ना, और कैप्सोमेयर से क्या बन रहा है, कैप्सिड्स, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि कैप्सिड किसको, कि पूरी वॉल भी किससे बनी है, ईंटों से बनी है, उन प्रोटीन यूनिट्स से जिन्हें प्रोटोमर्स कह रहे हैं। तो हमें दोनों चीज़ें मिलेंगी कि कैप्सिड्स आर मेड अप ऑफ प्रोटोमर्स एंड दे आर आल्सो मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर्स, ठीक है। बस बात यह है कि प्रोटोमर्स आपके क्या होंगे, सिंगल प्रोटीन यूनिट होगी, जबकि कैप्सोमेयर्स जरूरी नहीं है सिंगल प्रोटीन यूनिट होगी, कहीं ना कहीं प्रोटोमर्स से बनी होती है, फाइव सिक्स प्रोटोमर्स से, ठीक है, जनरली। और जिस तरह ईंटों को लगाने के लिए एक मिस्त्री चाहिए, बट इसमें नहीं चाहिए होता, या अब सेल्फ असेंबल करती हैं अपने आप को ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आई थिंक ये डिस्कस हो गया था, बट स्टिल। फिर हम बात करते हैं वही एनिमल अपने अगर वगैरह सब हो गया। फिर जो कैप्सिड है, उस कैप्सिड की सिमेट्री, वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है, किस तरह वो है, स्ट्रक्चर है उसका, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उस बेसिस पे हमने उसे तीन टाइप में डिवाइड किया है, हेलिकल, ठीक है, ये स्पायरली शेप्ड होगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, हॉलो ट्यूब की फॉर्म में, आइकोसाहेड्रल। अब आइको कई जगह आप पॉलीहेड्रल पढ़ोगे, तो पॉलीहेड्रल जो आइकोसाहेड्रल है वो भी एक टाइप का पॉलीहेड्रल है, ठीक है। तो जो पॉलीहेड्रल में मोस्ट कॉमन आता है
कैप्सूल की सिमेट्री में जो शेप यूज़ होती है वो आपकी आइकोसाहेड्रल है, ठीक है। और तीसरी होगी आपकी आपका कैप्सूल विद कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, जो हम ना हेलिकल कह सकते हैं ना आइकोसाहेड्रल कह सकते हैं, जो वायरस टू वायरस वेरी करता है, ठीक है। एक वो हुआ, तो इसमें हमारा सबसे पहला है हेलिकल कैप्सूल। हेलिकल कैप्सिड के बारे में बात करते हैं, तो हेलिकल कैप्सिड में क्या होता है कि जो हेलिकल कैप्सिड है, जैसे मैंने बताया कि वो हॉलो ट्यूब्स की फॉर्म में होता है स्पायरली, ठीक है। उसकी हॉलो ट्यूब्स की प्रोटीन वॉल होती है, जो कैप्सिड होगा वो हॉलो ट्यूब की फॉर्म में होगा, और अंदर उसके जेनेटिक मटीरियल होगा वो भी स्पायरली अरेंज्ड होगा, ठीक है। ये भी आपका स्पायरली अरेंज्ड होगा, ठीक है। एंड हेलिकल कैप्सूल्स आर शेप लाइक हॉलो ट्यूब्स प्रोटीन वॉल्स, और जो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है वो आपका टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। जैसे ये, तो ये क्या आपका हेलिकली है ना अरेंज्ड है, इस हॉलो ट्यूब्स हैं ये, है ना। और इस ट्यूब के अंदर क्या आपका उसी सेम मैनर में आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, इन दिस केस इट इज़ आरएनए, जो टोबैको मोज़ेक वायरस और आरएनए वायरस का एग्जाम्पल है, तो ये भी आपका हेलिकल अरेंज्ड है। अब ठीक है, जब कई बार देखने पे कंफ्यूजन लगता है कि ये स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा, है ना, बट ऐसा नहीं होता। मतलब कि ये जो कैप्सिड है ये सब कवर करे होता है, ठीक है। ये वो तो हमने जेनेटिक मटेरियल शो करने के लिए उसे थोड़ा ऊपर दिखाया है, बट ये जो हेलिकल कैप्सिड है इसने इसे पूरे को मतलब उसके अंदर होगा ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और इसके इसकी ज़्यादा लेंथ तक ग्रो नहीं करता, ये वाली बात भी है। हम जैसे इसमें देखते हैं कि साइज ऑफ हेलिकल कैप्सिड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ इट्स प्रोटोमर्स, जो दीवार का साइज़ होगा वो उसकी जो ईंटें की ईंटें हैं ना वो भी इन्फ्लुएंस करेंगी कि कितनी बड़ी दीवार होगी जो प्रोटोमर्स हैं। और दूसरी बात क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि क्या होता है कि लेटेस्ट जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एंड कर गया, ठीक है। तो ये होता है कि जो कैप्सिड है वो ये नहीं आगे आगे कंटिन्यू करता रहेगा, थोड़ी सी है ना, इट डज नॉट एक्सटेंड मच बियॉन्ड दी एंड ऑफ डी एन ए और आर एन ए, जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल है, तो उससे बहुत ज़्यादा आगे तक एक्सटेंड नहीं करता। तो कहीं ना कहीं जो न्यूक्लिक मटेरियल है वो भी जो कैप्सिड उसकी लेंथ को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। अब जो हेलिकल कैप्सिड है आपके एनवलप्ड भी हो सकते हैं और आपके नेकेड भी हो सकते हैं। नेकेड का एग्जाम्पल हमने टी एम भी देख लिया है ना, जो आपका क्या कहूँ एनवलप्ड वायरस है उसका एग्जाम्पल हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस। तो देखो ये जो आपके सर्कुलर दिख रहा है आप हो गए, तो सर्कुलर है, हेलिकल कहाँ है, तो ये एनवलप है, ठीक है। ये है अंदर जो आपका जेनेटिक मटेरियल वो आपका कैप्सिड है, तो उसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल है, तो ये आपका हेलिकली अरेंज है, इसमें भी देखो है ना। और बाकी एक पॉइंट टी एम वी और इन्फ्लुएंजा के बीच में ये है कि जो टी एम वी है उसके जो कैप्सिड है काफ़ी रिजिड टाइप है, काफ़ी ठोस है, और जो हाँ वो भी नहीं कह रहे। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है, उसमें आपका सॉरी डिस्टर्बेंस, इन्फ्लुएंजा वायरस है उसमें आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका काफ़ी फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, टीएमवी में रिजिड होता है और आपका इसमें फ्लेक्सिबल, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आइकोसाहेड्रल सिमेट्री की, ठीक है। तो आइकोसाहेड्रल एक टाइप का पॉलीहेड्रल है और इसमें आपके 20 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस होंगे और 12 वर्टिसेस होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रहे ऐसे 20 इक्विली, तो इससे करता हूँ 20 इस तरह के इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस होंगे और आपकी ये जो ये है ऐसे वर्टिसेस होंगे, ठीक है, आपकी 12 वर्टिसेस होंगी। तो आइकोसाहेड्रल काफ़ी जो पॉलीहेड्रल में सबसे कॉमन यही होती यूज़ होती है, ठीक है। एंड इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू इनक्लोज अ स्पेस, है ना। और इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर जो जेनेटिक मटेरियल है उसे उसे बहुत सारे जीन्स नहीं चाहिए उसे इनकोड करने के लिए, है ना, क्योंकि काफ़ी कॉम्पैक्ट है ना, काफ़ी काफ़ी अच्छा वे है स्पेस को इनक्लोज करने का। तो बहुत ज़्यादा जीन्स, क्योंकि जीन्स ही आपके जो कोई प्रोटीनेशियस है ना, जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो जेनेटिक मटेरियल को जब वो होस्ट सेल में जाएगा तो इंस्ट्रक्शन देनी होगी होस्ट मशीनरी को
कि वो कैप्सूल को असेंबल करे, तो उसके लिए फिर जीन्स चाहिए होंगे। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि इस कैप्सूल की जो एक एडवांटेज है वो ये है कि कुछ जीन्स चाहिए इसके प्रोटीन्स पर एनकोड करने के लिए, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कि जो कैप्सोमेयर्स हैं, इसके अंदर जो कैप्सोमेयर्स हैं वो 5 या 6 प्रोटोमर्स के बने होते हैं। 5 से बने होंगे तो हम उन कैप्सोमर्स कहेंगे पेंटामर्स, और आपका 6 से बने होंगे तो हम कहेंगे हेक्सामर्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जनरली जो पेंटामर्स हैं वे वर्टिसेस पे होंगे, जैसे ये आपका रेडिश से पेंटामर है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। और जो हेक्सामर्स होंगे तो वो आपके ये जो एजेस हैं है ना, इन एजेस के अलावा होंगे, या फिर कहूँ इन ट्रायंगुलर फेसेस को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जो आपके हेक्सामर्स हैं वो इन एजेस और इन ट्रायंगुलर फेसेस को फॉर्म कर रहे हैं, देखो येलो वाले, और जो आपका वर्टिसेस को कौन फॉर्म कर रहा है, पेंटामर्स, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जो प्रोटोमर्स है कि ये प्रोटोमर्स सिंगल टाइप के ही हों, है ना, या फिर हो सकता है प्रोटोमर्स डिफरेंट टाइप के भी हों, ये भी हो सकता है। और जनरली जैसे हमने डिस्कस किया कि पेंटामर्स और हेक्सामर्स दोनों होते हैं, बट जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे सीमियन वायरस है, सीमियन वायरस 40 SV40, इसके अंदर आपको जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड DNA है, और जिसके अंदर सिर्फ क्या है, सिर्फ ओनली पेंटामर्स, ठीक है, जो ये आपका सीमियन वायरस 40 है। फिर हम बात करते हैं नेकेड वायरस और एनवलप्ड वायरस की। जो नेकेड वायरस है वो आपका पोलियो वायरस आता है, उसके अंदर पेपिलोमा वायरस आता है, एडिनो वायरस आता है, ठीक है। नेकेड वायरस के अंदर पोलियो वायरस, पेपिलोमा वायरस, एडिनो वायरस, और जो एनवलप्ड है उसके अंदर आता है आपका हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस, ओके। एंड फिर बात करते हैं वायरस विद कैप्सिड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सिमेट्री, जो ना हम हेलिकल की कैटेगरी में फिट कर सकते हैं, जो ना हम आइकोसाहेड्रल कैटेगरी में फिट कर सकते हैं। ये आपके डिफरेंट ही स्ट्रक्चर है इनका, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेजेस और पॉक्स वायरसेस, ठीक है। तो जो पॉक्स वायरसेस है, पहले उसकी बात करते हैं। पॉक्स वायरस आपका एनिमल वायरस में सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके अंदर क्या है कि जो आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA है, जिसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये आपके न्यूक्लियॉइड में होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और वो जो न्यूक्लियॉइड है वो आपका बायोकॉनकेव डिस्क की शेप में होगा, ठीक है। ये आपका न्यूक्लिक एसिड होगा, ये आपका बायोकॉनकेव डिस्क की शेप में होगा, ठीक है। इसमें ये आपका जेनेटिक मटेरियल है ना। और जो आपका मतलब ये आपकी एक ना कोर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होगा, कोर मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, तो क्या आपका डबल स्ट्रैंडेड DNA आपका न्यूक्लियॉइड में है, न्यूक्लियॉइड आपका बायोकॉनकेव शेप का है, ठीक है। जो आपका सराउंडेड होगा एक मेम्ब्रेन से, हम कोर मेम्ब्रेन कहेंगे, और फिर दो इलेप्टिकल बॉडीज, ये इस टाइप की दो इलेप्टिकल बॉडीज, ठीक है, ये आपकी जो न्यूक्लियॉइड है ना, और जो आउटर एनवलप है, एक तो हमने कहा कोर मेम्ब्रेन, एक है आउटर एनवलप जो ये वाली है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में देखो ये आ रहा है आपका न्यूक्लियॉइड, और उसके बीच में क्या आ रहा है, ये जो आपकी इलेप्टिकल जो आपकी बॉडी है, ठीक है, वो इस न्यूक्लियॉइड और इस आउटर एनवलप के बीच में आ रही है, ठीक है। देयर आर टू इलेप्टिकल बॉडीज, एंड ठीक है। और ये आपकी ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी ये आउटर एनवलप है ये वाला, ये आपका किससे कवर्ड होगा, आपके टिब्यूल्स से, फाइबर्स से, ठीक है। एरे मीन्स लाइन में लगे हुए हैं ना, एक लाइन में आपकी एरे ऑफ टिब्यूल्स एंड फाइबर्स, ठीक है। ये आपका जो पॉक्स वायरस है, जो क्योंकि पोलियो तो आपका जो एक्सोहेड्रल सिमेट्री है उसके अंदर आता है नेकेड में, ठीक है। तो ये आपका पॉक्स वायरस है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की, ठीक है। बैक्टीरियोफेज का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, बैक्टीरियोफेज वो जो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिनका होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। तो देखो इनकी अपनी अलग सिमेट्री है ना, हम ना हेलिकल कह सकते हैं ना एक्सोहेड्रल कह सकते हैं, पॉक्स वायरस बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए हम इसे एक
एक नाम भी नहीं दे सकते ना, इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स वर्ड रखा है। तो जो बैक्टेरियोफेज है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, देखो बैक्टेरियोफेजेस में आप पहले देख लेते हैं क्या क्या आता है। कि एक तो आपके T1 फेजेस होंगे, ठीक है। T1 फेजेस वो हैं जो आपके ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है उसे इन्फेक्ट करता है, जैसे T2, T4, T6, ठीक है। T2, T4, T6 और इसमें क्या है, बाइनल सिमेट्री है। बाइनल सिमेट्री क्या कि कुछ ना कुछ पार्ट हेलिकल भी है, कुछ ना कुछ पार्ट एक्सोहेड्रल भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका T1 फेजेस है जो ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है, तो देखो इसका जो हेड है वो रिजेंबल कर रहा है किसे, जो कैप्सिड का हेड है आपका कहने का एक्सोहेड्रल सिमेट्री को, है ना। और जो आपका ये है आपका टेल, ठीक है, ये टेल आपकी शीथ से कवर्ड है, तो जो टेल है वो कैसी है आपकी, हेलिकल नेचर की, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं इसमें बाइनल सिमेट्री है, ठीक है, दोनों सिमेट्री पाई जाती है इसके अंदर T1 फेजेस के अंदर। सो इकोलाई जो T1 फेजेस इकोलाई को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, उनमें बाइनल सिमेट्री मिलेगी, है ना। दे रिजेंबल बोथ आइकोसाहेड्रन एंड एंड द टेल विच इज हेलिकल, ठीक है, हेड आइकोसाहेड्रल को रिजेंबल करता है, ठीक। और आपके हेड के अंदर ऑब्वियसली बात है डीएनए का, डीएनए जीनोम होगा, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है डीएनए। और जो टेल है, टेल आपकी शीथ से कवर्ड होगी, ठीक है, एक कॉलर प्रेजेंट होगा और एक बेस प्लेट प्रेजेंट होगी, ठीक है। टेल आपकी इस शीथ से कवर्ड है, कॉलर प्रेजेंट है जो आपका, जो आपकी नेक पे है कहीं ना कहीं, ठीक है। इसमें मिल जाएगा आपको, द टेल इज कम्पोज ऑफ अ कॉलर जॉइनिंग टू द हेड, है ना, तो एक तरह से नेक का काम कर रहा है। एंड जो एक और शीथ से सराउंडेड होगी ये ट्यूब, ठीक है। और ये जो मैंने कहा हेलिकल क्यों, क्योंकि वो भी आपकी हॉलो होती है ना, इट एक्ट्स एज अ हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब, ठीक है। और आपकी बेस प्लेट प्रेजेंट होगी, बेस प्लेट हेक्सागोनल है और उस पर पिन है, देखो ये आपका बेस प्लेट है, ठीक है, बेस प्लेट थोड़ी सी उस तरीके से नहीं दिख रही है, तो ये हेक्सागोनल फॉर्म में होती है, ठीक है। और इस पे आपके पिन निकले हैं टेल पिन्स, एंड और जो हेक्सागोनल फेस है ना हर एक, उससे आपके पिन्स निकले हुए होंगे, ठीक है, और आपके टेल फाइबर्स अराइज हो रहे होंगे। तो ये लिखा है इसके अंदर, द टेल इज कंपोज ऑफ अ कॉलर जॉइनिंग टू दी टू इट्स हेड, अ सेंट्रल हॉलो ट्यूब, है ना। टेल के आपके सेंट्रल हॉलो ट्यूब है और इसे किसने सराउंड किया होगा, शीथ ने, ठीक है। और आपका एक कॉम्प्लेक्स बेस प्लेट होगी जो आपकी हेक्सागोनल है, और उसके हर एक कॉर्नर से आपका क्या निकल रहे हैं, पिन्स निकल रहे हैं, है ना, टेल पिन्स। और मतलब जो, ठीक है, और आपके सॉरी जो आपके फिशेज हैं वहाँ से आपके पिन निकलेंगे, और जो आपके हर एक कॉर्नर है वहाँ से टेल फाइबर से राइज होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं आपको बताना, जरूरी है बस आपको बताना है कि आपका टेल पिन्स भी होते हैं आपके और टेल फाइबर्स भी होते हैं। और देखो ये वाली बात भी है इम्पोर्टेंट कि जो आपके बैक्टीरियोफेजेस में आपको कई सारी वेरिएशंस मिलेंगे, ठीक है। इवन अगर वो एक सिंगल टिश्यू है ना, एक सिंगल सेल, एक सिंगल होस्ट को, है ना, होस्ट सेल हुआ जो उसे उसे ही इन्फेक्ट कर रहे हैं, बट उनमें भी आपको कंसिडरेबल वेरिएशन मिल जाएंगे उस सेम होस्ट को इन्फेक्ट करने के बाद भी, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियोफेजेस में, ठीक है। और जो जैसे आपके, जैसे एक तो T1 फेजेस हुए जो आपकी इकोलाई को इन्फेक्ट कर रहे हैं, बाकी आपके अदर कॉलीफेजेस भी होते हैं जो इकोलाई को ही इन्फेक्ट करते हैं, तो उनके अंदर ट्रू आइकोसाहेड्रल हेड होता है। ये तो स्टिल रिजेंबल कर रहा है, बट उनके अंदर बिल्कुल ही जो हेड पार्ट होगा वो आइकोसाहेड्रन होगा, ठीक है। बाकी ये तो आपके T1 थे, है ना, जो जैसे ये ऑल्ट वाले हैं T1, T5 और बाकी आपके लैम्डा फेजेस हैं, उनके अंदर क्या होता है, जो टेल होती है उसके अराउंड शीथ नहीं होती, तो एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, बेस प्लेट नहीं होती। तीसरी बात, जो टेल फाइबर्स होते हैं वो रूडिमेंट्री होते हैं, फुली फॉर्म्ड नहीं होते। तो T1 फेजेस में आपका शीथ भी प्रेजेंट थी, बेस प्लेट भी प्रेजेंट थी और टेल फाइबर्स भी फुली डेवलप थे, बट जो आपके टी ऑड हैं T1 और T5 और इस पर और आपके जो लैम्डा फेज है, ठीक है, वो आपके क्या लैक करते हैं, शीथ लैक करते हैं, है ना, बेस प्लेट लैक करते हैं और आपके रूडिमेंट्री टेल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। और बाकी जो ये है आपकी, ये भी आपके ऑड हैं पॉलीफेजेस, जो आपके पॉलीफेजेस हैं दूसरे, ठीक है, T1 फेसिस से अलग जो इकोलाई को इन्फेक्ट कर रहे हैं,
ठीक है, सेम होस्ट है। तो जो अभी हमने ऊपर बात करती है ना, होस्ट सेम है बट वेरिएशन स्टिल मिल रहा है आपको। जो T3 T7 और पॉलीफेजेस हैं उनमें आपकी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल प्रेजेंट होती है विदाउट टेल फाइबर्स, तो उनमें तो टेल फाइबर्स होती ही नहीं। ठीक है, T3 T7 और पॉलीफेजेस में। तो आई बिलीव आपको ये जो हुआ है आपका स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस था इस वीडियो का टॉपिक था। नेक्स्ट हम इसमें हमने हेलिकल कैप्सिड एकोसाहेड्रल है ना, और अभी कैप्सिड विद कॉम्प्लेक्स सिमेट्री तीनों को हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो वीडियो नंबर 3 होगी उसके अंदर पढ़ेंगे वायरस एनवलप्स एंड एंजाइम्स है ना, और आगे जो आपके फर्दर टॉपिक्स हैं। थैंक यू।